वेलकम बैक टू अनदर। दोस्तों मैं निजाम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दोस्तों आज का डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज होता हुआ दिख रहा है। बट आज की इस वीडियो के अंदर ना हम वो चीज़ क्लियर करने वाले हैं कि आने वाले वीक्स के अंदर, आने वाले डे के अंदर और घंटों के अंदर मतलब क्या सिनेरियो आ सकता है BTC के ऊपर, क्योंकि $54,000 के अराउंड आ चुका है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ XRP का काफ़ी बुलिश न्यूज़ है, $1 जा सकता है पूरा का पूरा। समझ लो कि यार बोलते ना कि एक पूरा बेस तैयार है, बस अब उड़ने की देर है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न एल सल्वाडोर के साथ क्या हो रहा है उसका। इसके साथ साथ जो लूना क्लासिक जो लोग होल्ड करते हैं उसके लिए भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी अपडेट है। लूना क्लासिक इस बुल रन के अंदर कितना डॉलर जा सकता है, मैं लूना की नहीं लूना क्लासिक की बात बोल रहा हूँ। पूरा का पूरा यहाँ पर ओपन आर्टिकल आ चुका है और उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट लूना होल्डर्स आपके लिए भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। मेक श्योर वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कीजिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट बनिए बिकॉज ऑफ यहाँ पर वो चीज़ें मिलती है जो कहीं भी नहीं मिलती है। आज मॉर्निंग में अरकम के बारे में हमने एक वीडियो शेयर किया है जिसके अंदर उसका प्राइस प्रेडिक्शन आपसे शेयर किया है, देन जो है बुल रन का टारगेट है और क्यों मैं इसको बाय भी किया हूँ उसका भी पीछे का भी रीज़न। जहाँ दोस्तों काफ़ी सुपर लो कैप कॉइन इसको मान सकते हैं, मिलियन के अंदर इसका मार्केट कैप है, $1 बिलियन जा सकता है, काफ़ी बड़ा यूज़ केस है दोस्तों, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देने का ये मादा रखता है। सो दैट अगर नहीं देखे हैं जाइए वॉच कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जहाँ दोस्तों एम्पायर नाम करके, ये मस्क एम्पायर नाम करके दोस्तों ये टेलीग्राम गेम है जिसका भी एयर ड्रॉप काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, जिसकी हाइप काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी मतलब लोगों का मानना है कि ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे भी आ सकता है। ज्वाइन हो जाइएगा, क्या पता ये अच्छा आपको एयरड्रॉप देके चला जाए। तोशी ऑलरेडी डंप है, आई नो दैट हम भी होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट डंप है, तो ये सब तो मीम टोकन है तो डंप होगा। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका इस बुल रन तक प्रॉफिट लेना है तो होल्ड करके जरूर रखिएगा। बाकी ये जो भी टेलीग्राम गेम्स मैं शेयर करता हूँ इसके अंदर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, बड़ा तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर से मिलने वाला है। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए क्योंकि रेफर से भी काफ़ी अच्छा आपको अर्निंग हो जाएगा। कल मैंने ये क्रिप्टो इनकम का पोर्टफोलियो शेयर किया था, व्हाट्सअप चैनल पर नहीं है तो जुड़ जाना क्योंकि पहले मैं वहीं पर शेयर करता हूँ, देन मैं टेलीग्राम पर शेयर किया। कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर सेपरेटली मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ टेलीग्राम से ज़्यादा व्हाट्सअप चैनल पर, तो जाके वहाँ पर जुड़ जाइए। कल का आप ये डाटा देख सकते हो, लेकिन आज भी मैं शेयर करने वाला हूँ जो ये डाटा पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पंप आया और ये चेंज हो चुका है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सीधा चलते हैं सबसे पहले अपडेट की तरफ और बात करते हैं पहले चार्ट की। तो भैया चार्ट हमारा बिल्कुल जिस तरह से हमने आप सबसे शेयर किया था बिल्कुल उसी जोन के अंदर चल रहा है, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। और अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, थोड़ा सा एक पंप आया, लेकिन मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि वीग आएगा, परसों की वीडियो में बताया था वीग आ सकता है और ये एग्जैक्टली वहीं पर आके फिर बाउंस हुआ। कल जो है क्लोजिंग की बात करें तो भाई यहाँ से ऊपर ही हुआ है, वीग नहीं लगा है ना ये सपोर्ट तक आया है, आज भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ है, तो मे बी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस को जाके टच करेगा, फिर यहाँ पर से रिजेक्शन ये आ सकता है। लेकिन एक तरह से अच्छा है, अगर इस जोन के अंदर कुछ दिन ट्रेड भी करता है तो यहाँ पर से एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है जो कि सीधा यहाँ पर जा सकता है 60,000-61,000 के अराउंड। बट देखते हैं इसको ऊपर जाके ब्रेक करता है या फिर इसी जोन के अंदर जो है चलता है और देन फिर ब्रेकआउट मिलता है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। बट वही है कि मैं अभी बिल्कुल अवॉइड करता हूँ फ्यूचर ट्रेड, आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि फ्यूचर ट्रेड अभी बिल्कुल अवॉइड करें, मार्केट का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सो दैट स्पॉट के अंदर जितना हो सके एक्युमुलेट कीजिए, अच्छा आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है। न्यूज़ की तरफ चलेंगे सबसे पहले एल सल्वाडोर की तरफ, क्योंकि भैया 3 साल हो चुके हैं बिटकॉइन को एडॉप्ट किए हुए और भाई $31 मिलियन का जो है ऑलरेडी प्रॉफिट भी ले चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सब ने काफ़ी ज़्यादा एल सल्वाडोर के इस फैसले को नकारा था, है ना, बट एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट भाई काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे और आज इसका नतीजा है कि आज बहुत ही जोर शोर से प्रोग्रेस हो रहा है एल सल्वाडोर, काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट के अंदर है एल सल्वाडोर, टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ,
पैसा वहाँ पर छापा जा रहा है, और कहने को ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर दुबई लेवल तक का वो भी बन सकता है, एक छोटा सा कंट्री एक बड़ा डेवलपमेंट्स लेके आ सकता है आने वाले समय के अंदर। सो दैट ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एल सल्वाडोर भी यहाँ पर जो है अपने देश में क्रिप्टो हब बनाने की तैयारी में जोर शोर से लगा हुआ है। सो दैट मैं इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, और जब ये फैसला भी आया था तो हम सब काफ़ी बुलिश थे बिकॉज ऑफ ये जो है ना बड़ा फैसला लिया गया, और बहुत सारी कंट्री इसको देख देख के भी आने वाले सालों के अंदर जो है फैसला लेंगे, और ये जो प्रॉफिट है इसको देख के भी यहाँ पर आने वाले कंट्रीज़ जो है आने वाले सालों के अंदर अपना अपना फैसला यहाँ पर लेंगी। XRP की बात करते हैं जो कि $1 रीच कर सकता है 2024 एंड तक। रीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो है बिल्कुल वीकली पैटर्न काफ़ी तगड़ा बन रहा है, और यहाँ पर बहुत ही जल्दी ब्रेकआउट मिलने वाला है। लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर जो है लेफ्ट शोल्डर से ऊपर यहाँ पर बना है, और यहाँ पर से फिर पंप स्टार्ट हो चुका है। हेड आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो है जब ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो इसके बाद जो है एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने का पूरा चांस होता है। सो दैट इसी तरह जो है अभी XRP के अंदर एक बड़ा यहाँ पर चांस, सिर्फ वीकली के अंदर नहीं, अगर हम मंथली की भी बात करें तो यहाँ पर मंथली भी चार्ट शेयर किया है। यहाँ पर भी जो दोस्तों अगर हम देखें तो मंथली के अंदर भी बिल्कुल हम ब्रेकआउट के ही पास है, और जिस तरह से SEC का भी जो है रिपोर्ट आया, जिस तरह से विन करने का जो है यहाँ पर न्यूज़ फैला, उस तरह का यहाँ पर पंप नहीं मिला, थोड़ा सा जरूर बुलिशनेस आया, बट कहीं ना कहीं दोस्तों $1 तक यहाँ पर इसका टारगेट आप लेके चल सकते हो। इस साल के एंड तक काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ये पंप दे सकता है, और एंड ऑफ 2024 अर्ली 2025 के अंदर ये $1 रीच कर सकता है। सो दैट XRP के अंदर पोटेंशियल है, और इस बार मुझे लग रहा है कि छप्पड़ फाड़ के हम सभी को प्रॉफिट देगा। मैं तो भाई होल्ड कर रहा हूँ, अब बहुत भाई होल्ड भी कर रहे होंगे, नहीं भी होल्ड कर रहे, बट मैं कार्डानो और XRP को भी होल्ड कर रहा हूँ। हिटर रैली आ सकता है, बड़ा रैली आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती है। पोलकाडॉट का भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, काफ़ी लोग चल करके दूसरे कॉइन्स में शिफ्ट हो गए, मैं नहीं करता भाई ये काम। मैं तो जो अगर बाय कर लिया जब बियर मार्केट में मैंने उसको बाय किया, तो अभी भी इसकी मैं क्या करूँगा भाई, रखे रहो, स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, कुछ ना कुछ तो देगा ही, देकर ही जाएगा। तीन साइन जो कि लूना क्लासिक होल्डर को एक जो बुलिशनेस उसके अंदर है कि $1 जाएगा वो नहीं जा सकता। अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो 4x0 है, 774 अभी इसका प्राइस चल रहा है। लूना क्लासिक ऑलरेडी टेरा लूना था, और वहाँ से बहुत तगड़ा डंप हुआ, एक समझ लो कि स्कैम आप कह सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पर डूक नाव की तरफ से हुआ एक्चुअली में, अब वो किया या जो भी है, बट उसके बाद इसके अंदर इतना डंप आया कि आज देख सकते हो भाई इसका सप्लाई भी कहाँ है। टेरा लूना दोबारा आया, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे जीरोस थे, और यहाँ पर एक्चुअली में इसका जो है स्टेबल कॉइन वो जो है डीपैक हो गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ। मैंने भी टेरा लूना को बाय कर रखा था, मेरा भी नुकसान हुआ, बट मैं डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, बट लोगों का लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ है। $119 का प्रोजेक्ट सीधा $4 ऐड कर लेता है, तो सोचो यार क्या होगा। 100% का यहाँ पर जो है डंप आया था, जो कि काफ़ी बड़ा डंप था क्रिप्टो इतिहास का, दो सबसे मेजर डंप था टेरा लूना और FTT, ये दोनों जो कोलैप्स हुआ ना भाई बहुत दुख दिया है। $0.01 भी रीच नहीं कर सकता टेरा लूना। रीज़न क्या है कि भाई सबसे पहले जो है लोगों के अंदर डर है, इसका टोकनोमिक्स काफ़ी बुरा है, 6.7 trillion टोटल सप्लाई, जिसके अंदर 5.7 trillion जो है सर्कुलेशन के अंदर है। ये हम यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई इसका सप्लाई जो है काफ़ी बड़ा सप्लाई है, और 4 0 ऑलरेडी एडेड हो रखा है, तो यहाँ पर से 2 0 डिलीट करना वाकई में थोड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज़ देखो यार, अगर ये आता ही 4 0 लेके मार्केट में तो आसान था, डिलीट कर लेता, बट ये जो आया है ना, ये भाई बड़ा प्रोजेक्ट बना है जमीन दोस्त, ये बड़े लेवल का प्रोजेक्ट ध्वस्त हुआ है, तो अब इस पर दोबारा ट्रस्ट करना मुश्किल है ना। इसके साथ साथ मार्केट का सेंटीमेंट, तो भाई कोई भी अगर अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ही अगर बाय करूँगा तो 1 0 डिलीट करेगा, मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा बिकॉज ऑफ कोई गारंटी नहीं है, और फिर कहाँ भाग जाए ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, कहीं भाई फिर से दिक्कत जाए तो क्यों मैं इतना होल्ड करूँ भाई, क्या गारंटी कहीं डंप हो जाए। तो ये सेंटीमेंट ना लोगों के अंदर बना हुआ है, जो कि इसको 4 2 0 डिलीट नहीं करवाएगा, मुश्किल चांस है कि 2 0 डिलीट करवाएगा, सब अर्ली प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहेंगे। तो इसी वजह से जो है तीन रीज़न यहाँ पर दिया गया है कि भाई लोगों के अंदर डर है इसको लेकर, टेक्नोमिक्स जो है वो नहीं ठीक है, और मार्केट का सेंटीमेंट भी कुछ इसके फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये 0.01
डिलीट नहीं कर सकता, एक तरह से आप ये मान के चल सकते हो। तो अपना टारगेट सेट कर लो, 10x मिल जाए आराम से निकल लो पतली गली, बाकी दूसरे में शिफ्ट हो, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर हाथ लगाओ। बेबी डॉज कॉइन की बात करते हैं तो बेबी डॉज कॉइन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बर्निंग वर्निंग का भी अच्छा खासा बेस बना रहा है सोलाना के ऊपर। ऑलरेडी आपको ये चीज़ें मैंने शेयर किया था, सो दैट नहीं बाय किए बाय कर लीजिए। अभी 1.0 एडेड है, काफ़ी अच्छा चांस है, मौका है, लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक्युमुलेशन जोन के अंदर, सो दैट जरूर इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज़ अपडेट था, अगर तो वीडियो और ये न्यूज़ अपडेट आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बट दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है लूना क्लासिक आपके अकॉर्डिंग क्या $0.01 रीच कर सकता है, जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ XRP क्या इस साल एंड तक $1 जा सकता है, ये भी जरूर हमसे कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज कितना ही, गुड बाय।